फिर हम किक करेंगे इसके जो इसका नीब जो जॉइंट होता है उसके ऊपर कुछ इस तरह से, फिर ये नीचे गिर जाएगा। फिर हमें हमारा एक पैर यहाँ और फिर हमें हमारी नी से इसके ऊपर हिट करना है। फिर हम हमारी एल्बो से भी हिट कर सकते हैं या फिर हम भाग भी सकते हैं। इसे इस टेक्निक से आपका सेल्फ डिफेंस हो सकता है। सेकंड टेक्निक, अगर आपको कोई चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है तो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें सरेंडर पोजीशन में आ जाना है ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, कि उसे लगे कि हम उसके अंदर है, कब्जे में हैं। फिर हमें हमारे राइट लेफ्ट हैंड की मदद से इसे ऊपर ले जाना है और हम आगे जाके इसके हमें हमारी एल्बो से इसके यहाँ हिट करेंगे, इससे इसका चाकू छूट जाएगा और फिर हमें इसके पैर को पुश करना है और फिर ये गिर जाएगा। इसका हाथ हांग करके हम यहीं लगा देंगे और चाकू छुड़वा देंगे। उसके बाद हमें इसके ऊपर हम कहीं भी हिट कर सकते हैं, उसके बाद हम एल्बो से अच्छे तरह हिट कर पाएंगे, इससे हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। थर्ड टेक्निक इज, अगर आपको कोई आपके यहाँ से ग्रिप कर लेता है उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें उसके रिस्ट को पकड़ना है और राउंड करना है। इसके हाथ कुछ ऐसे हो जाएंगे, फिर हमें हमारी नी को इसके स्टमक या इसके माउथ पे हिट करना है कुछ ऐसे। नेक्स्ट टेक्निक और फोर्थ टेक्निक, अगर आपको कोई गला पकड़ लेता है जोर से, हमें उस सिचुएशन में क्या करना होता है, हमें बस ऐसे करना होता है। एक बार फिर से देखिए, ऐसे, और इससे इसकी ग्रिप छूट जाएगी, इससे हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टेक्निक, अगर आपके कोई पीछे से चाकू से वार करने की कोशिश करता है तो हमें हमारे हाथ को इसके ऊपर लेके जाना है और हमें हमारे पैर इसके पीछे लेके जाने हैं और इसका हाथ राउंड करके पीछे लेके आना है और इसे चाकू छुड़वा लेना है। चाकू छुड़वाने के बाद हम इसको चाकू से डरा सकते हैं और किसी पब्लिक वाली प्लेस पे ले जाके इससे हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। फिफ्थ टेक्निक, अगर आपका कोई हाथ पकड़ लेता है तो हमें हमारे दूसरे हैंड के थंब से इसके इस वाले पॉइंट पे हमें प्रेस करना है, जिससे इसे पेन होगा और इसकी ग्रिप छूट जाएगी। इस पॉइंट पे प्रेस कर देंगे हम, इससे हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।